अच्छा निर्णय, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है सीधे अब पहुंचेगा जो ऑफिस है, जो करीब 10 किलोमीटर, अब तो मुझे लगता है सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर बचा होगा इस यहाँ से, वहां पर जाके प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात या फिर वहां पर कौन कौन लोग होंगे जो उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, जैसे ही वो बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, मैं आपको बता दूं कि गुजरात से जो केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद उनके साथ हैं, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल जो है वो कमलम पे मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो तमाम एमएलएज हैं बीजेपी के, करीब 112 एमएलएज हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे, और 26 के 26 लोकसभा सांसद और 14 राज्यसभा सांसद जो हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के पूरे पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे, और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे तक इंटरेक्शन करेंगे। जाहिर सी बात है, चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, और मोदी एक तरह से उन्हें जीत का मंत्र देंगे। मोदी उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस परिस्थिति में जब कोई नए चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं आम आदमी पार्टी के रूप में, उसे कैसे टैकल करना। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो है वो काफी वीक है इस वक्त गुजरात में। निर्णय, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि किस तरह से वीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त दिनेश मौर्य के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उनके वहाँ हलचल बढ़ गई है। दिनेश, क्या आप कुछ काफिले के हिस्से को देख पा रहे हैं, वहाँ पर किस तरह का जोश नजर आ रहा है लोगों में? देखिए, गाड़ियों का कुछ काफिला, खासतौर पे पुलिस की जो गाड़ियां है वो इस तक पर कुछ दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये है कि अब प्रधानमंत्री का जो काफिला वो धीरे धीरे कोबा सर्कल की तरफ बढ़ रहा है, उस जगह पर जहां पर सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो है लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। गाड़ियों का मूवमेंट यहां पर शुरू हो गया है, तो इसके साथ ही में यहां जो लोग हैं वो सुबह से जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक वो यहाँ पर देख सके। आज का ये जो रोड शो है वो एक तरह से बीजेपी के लिए साल के अंत में होने वाले चुनाव का एक तरह से सॉफ्ट कैंपेन लॉन्च है। इसके अलावा ये जो करीब 10 किलोमीटर का फासला इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री तय करने वाले हैं, वो एक तरह से गुजरात की जो 182 सीटें हैं उन्हें साधने की कोशिश होगी। एक और अहम चीज आपको बता दूं, 2012 और 1995 से लेके 2012 तक हर बार बीजेपी का स्कोर चुनाव के दौरान 115 से 127 के बीच रहा, लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और दिल्ली गए, उसके बाद 2017 में जो चुनाव हुआ उस दौरान बीजेपी का आंकड़ा 99 पर आ गया था, और यही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय, और यही वजह है कि इस बार कोई भी जोखिम जो है वो बीजेपी लेना नहीं चाहती, और फ्रंट पर आकर खुद इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक और चीज आज की रोड से तमाम विपक्ष और अन्य तमाम राजनीतिक दल सीख सकते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी कोई भी दल हारता है तो कई हफ्तों तक सदमे में रहता है, और जब जीतता है तो कई महीनों तक उसका जश्न मनाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों में जीत पाने के तुरंत बाद अगले दिन से वो काम पर लग जाते हैं, अगले मिशन पर लग जाते हैं, अगले चुनाव की तैयारियां करते हैं, जो हो गया उस पर खुशी मनाते हुए आगे की बारे में सोचते हैं। और ये चीज जो है अन्य राजनीतिक दल आज के इस रोड से सीख सकते हैं कि बिल्कुल। दिनेश, आपने जो चीज बताई और जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तक प्रधानमंत्री मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं, फिर एक बार आपके पास हम आते हैं, तस्वीरों के साथ ही लौटेंगे, जानेंगे किस तरह की यहाँ पर उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन संजय जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए उनके साथ भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र पटेल है साथ में, उनके साथ सीआर पाटिल भी हैं, उन्हें भी लाया गया। कुल मिलाकर ये जो चुनाव हुए, 4 चुनाव में देखा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कितनी बार बदले गए, तो मुख्यमंत्री वहां पर हार गए, हालांकि पार्टी वहां पर वापस आ गई, लेकिन गुजरात में तो पूरे के पूरे घर के बदल डाले सर। तो क्या लग रहा है कि आपको पॉजिटिव रहेगा, या फिर क्या लगता है कुछ नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई भी कदम उठाती है तो बड़े सोच समझ के करती है। ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो कुछ सोच समझ के किया गया होगा। निश्चित रूप से ये आगाज़ हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ, इस वजह से बीजेपी ने ये कदम उठाया। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कदम उन्होंने काफ़ी समय से उठाया, अगर इस वक्त किया गया होता तो शायद उसका फ़ायदा नहीं होता, हो सकता उसका नुकसान हो सकता था, लेकिन काफ़ी समय से ये सब एक तरह से काम किए गए। वक्त रहते कर दिया गया। छोटा सा रिएक्शन अमिताभ जी आपसे ले लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि
बदला जाए या ना बदला जाए, कौन मुख्यमंत्री है या नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं है, मोदी चेहरा है गुजरात में ज़्यादातर, तो मोदी फैक्टर ही काम करता है। लेकिन ज़रूर ये पार्टी को रियलाइज़ हुआ होगा कि इस बार के चुनाव में जाते हुए, क्योंकि 25 साल से वहाँ पे भाजपा की सरकार है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश विज़न और फ्रेश फेसेस को आगे लाने की ज़रूरत है। इसलिए पूरी की पूरी कैबिनेट, और हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर को भी बदला गया है। और उत्तराखंड से यहाँ पर डिफरेंस ये है कि उत्तराखंड में चुनाव के वक्त बदला हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी टेंशन हो गया भाजपा में, यहाँ पर वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी पहले ही डिसीजन ले लिया है। और शायद यही वजह है कि आप लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि जो ये मूव रहा है कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल देना, उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।